नोटबंदी का आलम यह है कि आज जहां पूरा देश बैंकों की लंबी लाइनों में खड़ा एक एक पैसे के लिए रो रहा है, बेकसूर लोगों पर उनके अपने ही पैसों के लिए लाठियां भांजी जा रही हैं। ऐसे वक्त में लगता है कि बीजेपी नेताओं की लॉटरी निकल आई है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी की बेटी की 500 करोड़ की शादी कौतूहल का विषय बन गई थी, लेकिन लगता है कि बावजूद इसके मुंबई के घाटकोपर से बीजेपी के कद्दावर और दबंग विधायक राम कदम ने कोई सबक नहीं सीखा और अपने नाबालिग बेटे को उसके जन्मदिन पर मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट कर दी। ऊपर से बेशर्मी ये भी कर दी कि अपनी ठाट के ढोल पीटने के लिए उन्होंने कार के साथ बेटे की फोटो भी ट्वीट कर दी। बस फिर क्या था, आ गए निशाने पर। अब हर कोई उनसे इस लग्जरी कार को खरीदने के पैसे की जानकारी चाहता है, तो नाबालिग लड़के को कार गिफ्ट करने पर भी सवाल उठा रहा है, जिसके बाद अब ये भी तय है कि इस लग्जरी कार की असल कीमत विधायक राम कदम को उस वक्त शोरूम में नहीं बल्कि अब जनता की अदालत में चुकानी पड़ेगी। वैसे तय ये भी है कि राम कदम की खुरापात का काफी कुछ खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। जरूरत थी कि पीएम मोदी पहले अपने घर में झांकते, जहां उनके खुद के सिपहसालार गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। काश कि वो सबसे पहले अपने खुद के घर में फैले कचरे पर झाड़ू फेरते।